प्रेगनेंसी में खट्टा खाने वालों को बेटा और मीठा खाने वालों को बेटी होती है। प्रेगनेंसी की न्यूज अगर किसी को पता चल जाए तो मिसकैरेज हो जाता है, सीढ़ियां चढ़ने से मिसकैरेज हो जाता है। हाय गाइस, वेलकम टू मॉम लाइफ इंडिया। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वेरियस मिथ्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। बट उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। बीइंग प्रेग्नेंट इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग इन दिस वर्ल्ड। आफ्टर ऑल आप अपने अंदर एक ह्यूमन को स्क्रैच से तैयार कर रहे होते हैं। इट इज ट्रूली अ वंडरफुल फीलिंग बट अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। प्रेगनेंसी के दौरान एक्सपेक्टेड मदर्स और उनकी फैमिलीज दोनों ही काफी सारी बातों को लेकर केयरफुल रहती हैं, जैसे कि उनकी डाइट, एक्सरसाइज, सीढ़ियां चढ़ने को लेकर या प्रेगनेंसी की न्यूज किसी से शेयर करने को लेकर। आज हम इन्हीं सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे और साथ ही अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगी कि क्या इन बातों में कोई सच्चाई है और इज इट जस्ट अ मिथ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रेगनेंसी की न्यूज अगर किसी को पता चल जाए तो मिसकैरेज हो जाता है। हियर द फैक्ट इज, बॉडी कमजोर होने की वजह से मिसकैरेजेस होते हैं। बताने से तो उल्टा ज्यादा फुटेज मिलेगी और खुशी से हेल्दी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज, सीढ़ियां चढ़ने से मिसकैरेज हो जाता है। द फैक्ट इज, आप पहले से कमजोर हालत में हैं, तो ऐसे में सीढ़ियां अगर केयरफुली चढ़ी जाएं, तो उसे आप एक्सरसाइज के रूप में ले सकते हैं। बिना स्ट्रेस लिए अगर आप थोड़ी बहुत सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ये आपको फिट रहने में मदद करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी। द थर्ड पॉइंट इज, प्रेगनेंसी में खट्टा खाने वालों को बेटा और मीठा खाने वालों को बेटी होती है। हियर द फैक्ट इज, आपके टेस्ट बड और बेबी के जेंडर का कोई भी कनेक्शन नहीं है। योर टेस्ट टोटली रिलाइज ऑन द वेदर यू आर इन, द हार्ट बर्न यू गेट, आपको वॉमिट होती है या नहीं, एंड द सीजनल फ्रूट आइटम्स अवेलेबल। द फोर्थ पॉइंट इज, मॉर्निंग सिकनेस सबसाइड्स बाय आफ्टरनून। वेल, लिसनिंग टू इट्स नेम यू माइट थिंक दैट यू वोंट एक्सपीरियंस दिस अर्ली प्रेगनेंसी स्टेट पोस्ट मिडडे, बट दैट्स नॉट ट्रू। द फैक्ट इज, इट्स वेरी कॉमन टू फील नॉशियस थ्रू आउट द डे। प्रेगनेंसी के शुरुआती कुछ हफ्तों में मॉर्निंग सिकनेस दिन में किसी भी वक्त हो सकता है। कुछ लोगों में तो ये पूरे पूरे दिन लास्ट करता है। मोस्ट लाइकली ये कंडीशन सिर्फ हार्मोन लेवल्स के फ्लक्चुएट होने की वजह से होती है। द फिफ्थ पॉइंट इज, इट्स नॉट सेफ टू एक्सरसाइज व्हाइल प्रेग्नेंट। ये जरूरी है कि आप ऐसी किसी भी एक्सरसाइज को अवॉइड करें जिससे आपकी बॉडी को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस पहुंचे, स्पेशली एनी सॉर्ट ऑफ वेट लिफ्टिंग। द सिक्स्थ पॉइंट इज, कैफीन को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। काफी लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे रॉ स्प्राउट्स डॉक्टर्स मना करते हैं, उसी तरह आपको कैफीन भी पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए, बट दैट्स नॉट ट्रू। द फैक्ट इज कि एनी सॉर्ट ऑफ कैफीन इफ टेकन इन मॉडरेशन इज कम्प्लीटली सेफ। आप दिन के मैक्सिमम डेढ़ कप कॉफी या चाय पी सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। ऑल्सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमें कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि अपनी प्रेगनेंसी में आपने ऐसे कौन से स्ट्रगल्स फेस किए हैं।